ओके सो हे गाइस, वस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में। यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो की लिंक दे रखी है। तीनों में से कोई भी वीडियो को वॉच कर लेना, इसलिए आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का जो है ऑपोसिटी आप सबको इस तरीके से कम कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आप सबको कुछ स्टेप से आप सबको अपना जो मॉडल है बीच में से गाइस क्लाउड वाले एरिया से आपको इतना इरेज कर देना है, ठीक है। एंड अगर गाइस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इरेज हो भी जाता है तो उसको गाइस हम आपको मैनेज कर लेना है, मतलब कि ओपेसिटी को बढ़ाने के बाद। ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डन करेंगे। एंड देखिए गाइस, नीचे से हमारा कुछ ज़्यादा इरेज हो चुका है। तब क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे इरेजर टूल में वापस से। एंड इसको पहले हम अंडो कर लेते, ऊपर का एक्स्ट्रा इरेज हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे हम ब्रश पे क्लिक करेंगे। एंड हमें जहाँ जहाँ तक चाहिए था गाइस ये, वहाँ वहाँ पे हम इसको कुछ इस टाइप से फिल कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको आगे क्या करना है, अभी आप सभी को इसमें गाइस ऑरेंज कलर का इफेक्ट डालना अपने मॉडल के अंदर। तो वो कैसे डालना है गाइस, मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को अभी तो यहाँ पे गाइस इतना तो परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, हम इसका अपने मॉडल का करेंगे इसका हम डुप्लीकेट। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको हम गाइस सेम साइज़ में वैसे ही रख देंगे, ठीक है, जैसे हमारा पिछला वाला मॉडल रखा हुआ है, इसको हम वैसे रख देंगे। एंड उसके बाद हम इस मॉडल को लेकर चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद गाइस यहाँ समझाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद यहाँ समझाएंगे जिस ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन में। हम इस पर एक बार टैप करेंगे, यहाँ पे अमाउंट को उसको हम जीरो कर देंगे। एंड इसको ऊपर से कर देंगे मर्ज। फिर उसके बाद गाइस हम इसका नेगेटिव वाला ले लेंगे। एंड इसको देन वापस से ऊपर से कर देंगे मर्ज। फिर उसके बाद जाएंगे कलराइज में। एंड यहाँ से हम गाइस ढूंढेंगे ऑरेंज कलर को, ठीक है। ऑरेंज कलर गाइस जैसे मिल जाएगा आपको, ऊपर से वापस से मर्ज कर देना। एंड कर देना यहाँ पे डन। एंड उसके बाद गाइस आप सबको चले जाना वापस इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देना है। एंड गाइस जो बीच में जो एरिया है इसको इरेजर से आपको इरेज कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना ब्रश में। ब्रश में जाने के बाद इसकी ओपेसिटी हार्डनेस है जो आपको उसको कम कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फिर साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फेस के आगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको थोड़ा शोल्डर्स पे एंड आपको हैंड के पास भी कर लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा फोटो को जूम करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हैंड के पास भी हम कर देंगे पेंट, ठीक है। तो आपको मतलब कि जहाँ जहाँ मतलब कि जहाँ जहाँ नहीं वैसे गाइस, मतलब कि आपको कमी एरिया में करना है पेंट, सो जो फ्रंट वाला एरिया होगा वहाँ पे आपको पेंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइस अभी आपको इसमें क्या करना है, आप सब यहाँ से तो अभी पहले तो डन करना है एक बार ही, ठीक है। तो इसको हम डन करते हैं। एंड इसका पहले आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड होगा गाइस, आज इसको हम रखेंगे ओवरले, इसको ओवरले रख लेंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सबको इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेना है इसी का ही, ठीक है। एंड इसको सेम साइज़ में रख देना है। अगर आपको ऊपर से ज़्यादा लगे तो आप इसकी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको यहाँ पे रख देना है डन। अब गाइस आप सबका अगला स्टेप क्या आता है, आप सबको जाना है दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाएंगे। एंड यहाँ से गाइस आप सबको एक PNG ले लेना है विगनेट का। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से रख देना है। एंड इसको आप साइज़ कितना भी रख सकते हो, एंड ओपोजिट चाहो तो उसकी कम भी कर सकते हो। अब गाइस आप सभी को इस फोटो को क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। एंड इसको लेके चले जाना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि इसलिए रिजल्ट जो है हमारे फोटो का वहीं आएगा। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। इसका जो गाइस कॉन्ट्रास्ट आप सभी को इसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस हाईलाइट है इसका गाइस इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो इसका शेडो है इसको बढ़ा देना है। एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है। ब्लैक है जो इसको भी कम कर देना है। फिर चले जाना है आपको गाइस कलर्स वाला ऑप्शन में। इसका जो वाइब्रेशन है आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो इसका टेम्परेचर है इसको माइनस कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको कलर्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड येलो कलर में जाना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड डार्क ब्लू में जाकर इसका ह्यू माइनस एंड सैचुरेशन प्लस। देन उसके बाद पर्पल कलर में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस एंड ह्यू को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद ऊपर से कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको इसके नीचे वाले टूल में चले जाना है। एंड जो गाइस फोटो की क्लियरिटी आप सभी को इसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड विगनेट को कम करना है, ठीक है, बढ़ाना नहीं है। एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो जो ग्रेन अमाउंट है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो जो गाइस शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो नॉइज़ डायरेक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है। एंड जो कलर नोड रोशन है आप सभी को इसको बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।